इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। सभी किसान भाइयों को आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। अब तक मैंने मेरठ ज़िले के फील्ड में मालवे कंपनी के द्वारा पिलर लगाए जा रहे हैं बीच सेंटर के, वो अब तक हमने आपको फील्ड में जाकर दिखाया है। अब हम बात करते हैं कि सभी ज़िलों के बारे में। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ समझना आप लोगों को। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि सर, हमारे क्षेत्र में कार्य अभी नहीं हो रहा है, कहीं पर हो रहा है, कहीं पर नहीं हो रहा है। इसी चीज़ के लिए मेरी अधिकारियों से भी बात हुई है कई जिलों के, और कानून गो से भी बातचीत हुई है। तो मैं मेरठ ज़िले की अगर बात करता हूं, तो मेरठ ज़िले के अंदर SDM और DM के बालाजी ने आदेश दिए कि मेरठ ज़िले का दिसंबर माह में ही कार्य संपूर्ण कर लिया जाए, जिससे जनवरी में भूमि अधिग्रहण कर ली जाए। इसलिए मालवे कंपनी के भी अधिकारी मेरठ ज़िले में आ चुके हैं, और मेरठ ज़िले का NS 334 से लेकर और हापुड़ ज़िले में पड़ने वाला गांव आगापुर तक के जंगल तक 15 किलोमीटर का ये भाग मेरठ ज़िले वालों को मिला है। अंडर जो आ रहा है, हर ज़िले के DM के अंडर तहसील, मेरठ ज़िले के DM के अंडर जितना कार्य आ रहा है, हर ज़िले का DM अपने अपने तरीके से कार्य में लगे हुए हैं। मेरठ की प्रक्रिया संपूर्ण होने वाली है। आगे हापुड़ ज़िला के DM ने आदेश दिए हैं, वहाँ पर भी गंगा एक्सप्रेसवे में ज़मीन की पैमाइश शुरू कर दी गई है। आगे गढ़मुक्तेश्वर है, वहाँ की भी पैमाइश शुरू कर दी गई है। आपका फिर आगे बुलंदशहर में भी, फिर बदायूं है, संभल है, हरदोई है, रायबरेली है, आगे जितने भी ज़िले हैं सभी में सभी के DM के अनुसार कार्य किया जा रहा है। और पिलर भी लगाए जा रहे हैं मेरठ ज़िले में भी, संपूर्ण हमने कल करवा दिए थे, और हापुड़ ज़िले में भी बातचीत हो रही है पिलर वालों से। जैसे ही वहाँ पर वो जाएंगे फील्ड में, हम भी वो पिलर लगवाने के लिए फील्ड में आएंगे, आपको पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे में ज़मीनी स्तर से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पैमाइश की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी गई है सभी ज़िलों के अंदर। लेकिन थोड़ा इतना हो सकता है कि कोई ज़िले में पहले कार्य कर चल रहा है, किसी में थोड़ा लेट होगा, लेकिन जल्द ही ये सारी प्रक्रिया संपूर्ण करने के बाद में गजट इशू होना है। और पूरी संभावना है मेरठ ज़िले की कि 26 तारीख में, 26 दिसंबर में गजट इशू हो सकता है। अभी और भी प्रक्रिया चल रही है, जैसे जैसे सूचना हमें मिलती रहेगी हम आप लोगों को उसकी सूचना आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।